अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 का जो है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, विद एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पर देखिए मैं आपको जो है वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर बताऊंगी किस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपके लिखनी जरूरी होती है। ठीक है, हर लेक्चर में मैं जरूर बताती हूँ कि अगर आप इतना सा भी ये याद कर लेते हैं, इतना सा समझ लेते हैं, उसके बाद आप ये कर लेंगे तो आपके जो नंबर है पेपर में कट नहीं होंगे। चलिए जी आप स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ से क्या है, व्हाट इज डेटा एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, डेटा के जो डेफिनेशन है वो क्या है जी, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। अब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं अभी देख लेते हैं। रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं जी, द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। ठीक है, हमारे पास रॉ का मतलब क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं जो अनप्रोसेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लाइफ की एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सिंपल सी। जैसे आप चाय बनाने लगते हैं, ठीक है, चाय बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको दूध की जरूरत पड़ती है, आपको बर्तन की जरूरत पड़ती है, आपको चीनी की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आपको पत्ती की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो सारी की सारी चीजें है ना, ये अभी अनप्रोसेस्ड है, मतलब अभी हमारी चाय बनी नहीं है। चाय को बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है और ये जो सारी चीजें है हमारे पास, दूध, पत्ती, चीनी, बट ये सारे के सारा हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, डाटा है। और डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। अब डाटा क्या है जी, हमने डाटा, कोई ना कोई डाटा जो है वो कंप्यूटर को देना होता है, कोई ना कोई चीज, किसी ना किसी चीज को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर को आप चाहते हो कि आप 2+2 जो है वो उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि 2+2 क्या होता है। ठीक है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने अपना जो है कैलकुलेटर ऑन किया, आप कैलकुलेटर में आप क्या टाइप कर रहे हो, 2+2। अब ये 2+2 ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, डेटा है, ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हम क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर से दे रहे हैं कि एट द एंड वो हमें कोई ना कोई जो है वो रिजल्ट दे। ठीक है, हमें कोई प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट दे। 2+2 ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये डेटा है, इसको हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। जब वो हमें 4 प्रोवाइड करेगा ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी इंफॉर्मेशन, यानी ये हमारे पास एट द एंड जो रिजल्ट दिया, जो हमें चाहिए ये उसने वो रिजल्ट दिया है। अब हमें प्रोसेसिंग के लिए कुछ ना कुछ तो डाटा देना था। ठीक है, ये अब हमने जो 2+2 है ये हमारे पास डाटा है और डाटा की डेफिनेशन हमें पता है कि डेफिनेशन क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, अब डाटा जो है वो हम डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ 2+2 ही जो है वो आपने करना है तो ही आपको जो है वो आंसर देगा। डाटा हमारा डिफरेंट सोर्सेज से भी कलेक्ट हो सकता है। जैसे हम कीबोर्ड से कोई उसको कमांड देते हैं, डबल क्लिक करते हैं कि फाइल ओपन करो। ठीक है, अब फाइल ओपन करने के लिए हमने माउस से डबल क्लिक किया तभी हमारी फाइल जो है वो ओपन हुई है। तो ये डबल क्लिक क्या है, ये हमने क्या दिया है, कंप्यूटर को डाटा दिया है कि हमें जो है ये चीज ओपन करके दो। ठीक है, डाटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस। देखिए, अब ये इसलिए किया जाता है डाटा कलेक्ट डिफरेंट पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल अब क्या है जी, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आप फॉर्म को क्या करते हो, फिल करते हो। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज है ना, कि आप फॉर्म में क्या नेम लिखते हो, आपका नेम होता है, फादर नेम होता है, एड्रेस होता है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या कहलाती है, ये डाटा है। कि आप अपना डाटा जो है वो कॉलेज को दे रहे हो तो हम डिफरेंट पर्पस के लिए उस डाटे को यूज करते हैं। जैसे भी मैंने कहा कि मैंने कंप्यूटर को 2+2 दिया तो मेरा पर्पस क्या था, कैलकुलेट करना कि इसका आंसर क्या आता है 4। अब दूसरा पर्पस क्या है कि हमें फॉर्म जो है वो दिया जाता है कॉलेज में, ये फिल आउट करे। अब उसका पर्पस क्या है कि हमने एडमिशन करने हैं तो हमने यूजर से उसका क्या लेना है, डाटा लेना है, स्टूडेंट से उसका डाटा लेना है। तो ये बात समझ में आ गई ना कि डिफरेंट पर्पस के लिए हम डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर, कैरेक्टर, सिंबल्स और पिक्चर्स। ठीक है, डाटा जो है वो हमारा किस पर मुश्तमिल होता है जी, नंबर्स, नंबर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी 2+2 बोला,
करेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे नेम में जो है वो नेम में करेक्टर्स ही आते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे जो है एम्परसेंट का साइन है, उसके बाद क्या है जी स्टेरिक का साइन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये सारे के सारे सिंबल्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, पिक्चर्स होती है। पिक्चर्स किस फॉर्म में, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऑनलाइन जो है जो है फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें आपकी कोई पिक्चर रिक्वायर्ड है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने पिक्चर भी एज अ डेटा के तौर पर जो है वो उसको दे रहे हैं। तो पिक्चर भी हमारे पास एज अ डेटा ही कंसिडर की जाती है। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसकी क्या एग्जाम्पल्स है। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, अभी यही कॉलेज की एग्जाम्पल दी। क्या है जी, स्टूडेंट क्या करता है, अपना एडमिशन फॉर्म को फिल करता है जो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन जब उसने लेना है तो उसने कोई ना कोई फॉर्म जो है वो फिल आउट करना है। द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वो फॉर्म जो है उसमें जो नेम है, उसमें स्टूडेंट नेम जो है, उसमें फादर नेम है, उसमें एड्रेस है, फोन नंबर है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या कहलाती है, ये रॉ फैक्ट्स है। मतलब अभी ये हम इकट्ठा कर रहे हैं डाटा, अभी ये हमें पता नहीं है कि इसमें से कौन से स्टूडेंट का क्या डाटा है क्या नहीं, जस्ट हम इसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट द स्टूडेंट, ये सारे का सारा जो डाटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जी, दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये रॉ फैक्ट्स किसको बोल रहे हैं, डाटा को ही बोलते हैं ना, कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अब वो फॉर्म में जो हमारे हैं वो क्या है जी, नेम हमारे पास रॉ फैक्ट्स है, फादर नेम हमारे पास रॉ फैक्ट्स है, उसके बाद क्या है, एड्रेस, ये तीनों चीजें हमारे पास क्या है, डाटा है। जैसे मैंने अभी आपको चाय की एग्जांपल दी, हमारे पास दूध भी जो है वो भी क्या है, रॉ फैक्ट्स है, हमारे पास चीनी भी रॉ फैक्ट है, उसके बाद हमारे पास पत्ती भी जो है वो क्या है, रॉ फैक्ट है। क्यों रॉ फैक्ट है, क्योंकि अभी इस डाटा पर प्रोसेसिंग होगी, इन सब चीजों को मिलाकर हम कोई चीज बनाएंगे, देन वो हमारे पास जो है वो कोई यूजेबल फॉर्म में चीज आएगी। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो है नेम, फादर नेम, एड्रेसेस जो है, ये क्या होता है हमारे पास, डेटा होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग दिस डेटा इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम जो है किस लिए इसका डाटा, स्टूडेंट का डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं, ताकि हम अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सके ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। ठीक है, अब आप देखें, आप अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करते हैं, आपका सारा डाटा जो है कॉलेज वालों के पास होता है कि आपने जो है कब एडमिशन लिया था, आप किस क्लास में है, तो किस लिए अपना पास कॉलेज जो है वो अपना पास रिकॉर्ड रखता है, कौन कौन सा बच्चा जो है वो हमारे पास यहाँ पर पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड रखने के लिए जो है ये यूजर से, स्टूडेंट से जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देख लें, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाटा, ठीक है, दो नंबर का मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में नहीं आता ये जो है शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, सिंपली आपने क्या लिखना है यहाँ पर जी, आपने यहाँ पर देखेंगे, अगर आप ये लाइन लिख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा, और उसके बाद आप एग्जाम्पल्स में दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस रॉ फैक्ट्स फिगर क्या है, स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, ये क्या है हमारे पास रॉ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप ये दो लाइंस लिख देते हैं तो आपके दो नंबर जो हैं वो कंफर्म हैं, पक्के हैं, वो कोई भी काट नहीं सकता। ठीक है, कुछ बच्चों को सारे का सारा याद नहीं होता, तो उन बच्चों के लिए जो है अच्छे नंबर लेना चाहते हैं कम पढ़ के और कम याद करके, तो उनके लिए जो है ये पॉइंट बता रही हूँ कि आपने ये वाली लाइन मस्ट याद करनी है, और इसके एग्जाम्पल में जो है वो आपने ये वाली लाइन मस्ट याद करनी है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें समझ आ गई रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, वो डेटा जो डेटा क्या होता है जी, हमें समझ आ गई कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, डेटा होता है वो नेम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, जैसे मैंने इसकी एग्जाम्पल दी, दूध, पत्ती, चीनी जो है ये हमारे पास क्या है, रॉ फैक्ट्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा मैंने अभी बताया, हमारे पास डेटा जो है वो कोई करेक्टर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, डेटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बताया 2+2 मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है,
ये 2+2 मेरे पास डाटा है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे बनेगी? द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब कंप्यूटर इस पर प्रोसेसिंग करेगा, इसका रिजल्ट कैलकुलेट करके मुझे 4 प्रोवाइड करेगा। ये 4 जो है ये मेरे पास क्या कहलाएगी? ये 4 मेरे पास कहलाएगी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। 4 मेरे पास क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन है। समझ आई कि हमारे पास डाटे पर जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो वो हमारे पास एट द एंड क्या रिजल्ट निकलता है? इंफॉर्मेशन निकलती है। आपने ये वाली लाइन मस्ट याद कर रखनी है, द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब देख लें, पहले 2+2 डेटा था, उसको जब हमने कंप्यूटर को दिया, उसमें प्रोसेसिंग की, पीछे प्रोसेसिंग हो रही होती है, देन हमारे पास जो है रिजल्ट आता है। एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो क्या जी? 4 है, और 4 हमारे पास क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमारे पास हमेशा क्या होती है? ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा कैसे है, इसकी एक और एग्जाम्पल मैं दे दूँ। जैसे हमने डाटे में ऊपर पढ़ा कि हमने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हम फॉर्म फिल करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्म में चीजें होती हैं, नेम होता है, फादर नेम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, तो ये सारा के सारा हमारे पास क्या होता है? डाटा होता है। लेकिन एट द एंड हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं, हमने मेरिट लिस्ट बनानी होती है, हमने देखना होता है कि कितने बच्चों के ज्यादा नंबर है मैक्सिमम मार्क्स है और कितने बच्चों के मिनिमम मार्क्स है। तो हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, मिनिमम जो है वो नंबर फाइंड आउट करने होते हैं। अब हम क्या करते हैं, सारे के सारे फॉर्म जो है वो देखते हैं किसके ज्यादा जिसके नंबर है उसको फिल ले जाते हैं, ठीक है। उससे कम नंबर वाले बच्चे को सेकंड में उसका फॉर्म रखते हैं, फिर उससे कम नंबर वाले फॉर्म को जो उस बच्चे ने नंबर लिए हैं उसका थर्ड पे नंबर जो है वो फॉर्म रखते हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया है, अपने उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, यानी जिसके सबसे ज्यादा नंबर थे वो फर्स्ट में आ रहा है, जिसके उससे कम थे वो सेकंड में आ रहा है, जिसके उससे कम नंबर थे वो थर्ड में आ रहा है। इसी तरह जो है वो हमारे जो है वो फॉर्म जो है वो हमने इस तरह से अरेंज कर लिए हैं, ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। अब लास्ट वाला जो बच्चा है 100 वाला, ठीक है, उसके जो है वो सबसे मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि 100 में से फर्स्ट वाले बच्चे ने 99 मार्क्स लिए हैं, और जो है वो 100 वाला बच्चा जो एंड पर है उसने जी 15 मार्क्स लिए हैं। तो अब हमें हमने अपने डाटा को क्या कर लिया? ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रोसेस कर लिया है कि जो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं? 99 है, और मिनिमम मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 15 है। देखा, हमारे पास डाटा तो था ही फॉर्म की सूरत में, लेकिन हमने उसको ऑर्गेनाइज और प्रोसेस करके उसको क्या कर दिया? अरेंज फॉर्म में रख दिया कि अब अगर कोई पूछे कि आपका मेरिट क्या बना है, तो हम बता सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम मेरिट जो है वो 99 नंबर है, ठीक है। जिसके 99 नंबर से जो है वो यहाँ पर है, उसको एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। बात समझ में आ गई कि हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म में भी डाटा को रख सकते हैं। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा। इंफॉर्मेशन हमारी हमेशा क्या होती है? मोर मीनिंगफुल होती है, ठीक है। क्यों? अब देखते हैं, हमारे पास हमने फॉर्म से कलेक्ट कर लिए थे, अगर कोई पूछता है कि इन फॉर्म्स में हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो अगर हमने उस पर प्रोसेसिंग नहीं की, उसको ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखा हुआ, तो हम नहीं बता सकते कि किस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स हैं या कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि डेटे से ज्यादा हमारे पास मीनिंगफुल क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अब ये किस लिए इंफॉर्मेशन यूज की जाती है? मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अब जब मेरिट लिस्ट बनती है तो वो भी तो एक डिसीजन होता है ना, कि अब यानी फॉर एग्जाम्पल 99 मैक्सिमम मार्क्स है, तो हम कहते हैं जिसके 50 मार्क्स है ना, 50 मार्क्स वाला बच्चा जो है, 50 मार्क्स तक वाला बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। ये हमने क्या किया? डिसीजन लिया है कि जिसके 50 मार्क्स हैं वो यहाँ पर 50 मार्क्स तक बच्चे जितने भी हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? डिसीजन। मतलब हम डिफरेंट अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को किस लिए यूज कर सकते हैं? डिसीजन लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं। डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब डाटा को जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैंने इसलिए उसका मेरिट निकालने के लिए जो है उनके फॉर्म यूज किया, उसका डाटा यूज किया है। आपके पास जो है डाटा को हम डिफरेंट फॉर्म में प्रोसेस करके डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने आपको कहा ना, हमने अभी देखना है कि हमारे पास जितने भी फॉर्म है उसमें मैक्सिमम नंबर वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। और अब दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने निकालनी है कि ये जो फॉर्म मुझे कलेक्ट हुए हैं इसमें से कितने बच्चे गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं,
कितने बच्चे लाहौर से बिलोंग करते हैं और कितने बच्चे जो है वो कराची से बिलोंग करते हैं। तो अब ये क्या है, अब डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, इन फॉर्म्स को देखूंगी, जितने बच्चे जो है जिन्होंने एड्रेस अपना गुजरांवाला लिखा हुआ है उनको मैं सेपरेट कर लूंगी, लाहौर वालों को सेपरेट कर लूंगी, कराची वालों को सेपरेट कर लूंगी। एट दी एंड मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गई कि 10 बच्चे जो है वो गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, 20 बच्चे लाहौर से बिलोंग करते हैं और 30 बच्चे जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, कराची से बिलोंग करते हैं। देख लिया, एक अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने क्या कर ली अपने उसी डाटे में से, ठीक है, उसी डाटे में से मैंने एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल लिया। तो इस लाइन का ये मतलब है कि डाटा कैन बी प्रोसेस इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस डाटे से वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब चलिए ये एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसेस इज यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं सेंसेस, मतलब मर्दमशुमारी का जो है वो सारे का सारा डाटा जो है वो हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, किस लिए, जनरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को। फिर हमने देखना है कि उसमें कितने लोग हमारे, हमने जो मर्दमशुमारी की है उसमें कितने लोग जो हैं वो हमारे पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब हमने एक डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया है और हमने उस डाटे से डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखने आगे क्या लिखा हुआ, द गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटरमिन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। अब जो हमने ये मर्दमशुमारी का डाटा जो इकट्ठा किया है, ये सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस वाले डाटा से क्या इंफॉर्मेशन निकाल रही है कि इस जो कंट्री है इस कंट्री में कितनी लिटरेसी रेट है, क्या लिटरेसी रेट है, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट कैन यूज द इंफॉर्मेशन इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट, क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा सा एक डिसीजन कर सकती है जिससे हमारे क्या हो सके, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ सके, यानी हमारे मुल्क में जो है वो पढ़े लिखे लोगों की तादाद जो है वो ज्यादा हो सके। अभी हमने मर्दमशुमारी की, मर्दमशुमारी करने के बाद हमने उसमें से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, हमें पता चल गया इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतना इतना लिटरेसी रेट है हमारा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, उस वाले इंफॉर्मेशन से जो है वो कुछ डिसीजन करती है कि किस तरह से हमें अपने लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आती तो जरूरी नहीं है कि आपने यही एग्जाम्पल लिखनी है, आप इससे इजी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको ये डाटा की एग्जाम्पल दी कि 2+2 जो है वो मेरे पास क्या है, ये डाटा है, जब मैं इसको प्रोसेस करूंगी 4 मेरे पास एट दी एंड क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। तो आप इस तरह से भी क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या है हमारे पास एक टाइप की किसकी एग्जाम्पल है, इन्फॉर्मेशन की ही जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन, वैसे मोस्टली जो है वो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा ही पूछा जाता है क्वेश्चन में, अगर आपसे इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है तो आपने इसकी ये वाली लाइन, द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ये और एक एग्जाम्पल जो है वो आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेनी है और पेपर में लिख लेनी है। इसके बाद अगर आप ये इतनी सी लाइन लिख लेते हैं तो कोई भी पर्सन आपका नंबर जो है वो कट नहीं कर सकता, ठीक है। ये था जी आज का हमारा एक छोटा लेक्चर जिसमें हमने जो है मैंने डिटेल में बताया डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगी। और अपने कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस सिटी से जो है ये वीडियो देख रहे हैं और कौन से कॉलेज से जो है वो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।